Hello friends, my name is Karan Jain. I'm from Career Growth. We've been helping students for studying abroad, specifically for MBBS. और आज हम बात करेंगे कुछ चीज़ों के बारे में. जैसे हमारे पास रिक्वेस्ट आई थी लास्ट ईयर, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को इशू रहा था. उन्होंने हमारे चैनल पे कमेंट किया कि हमें नहीं पता कि हाउ टू प्रिपेयर व्हेन वी आर गोइंग अब्रॉड. तो फिर लेटेस्ट से अब आपका एडमिशन हो चुका है, वीसा हो चुका है, उसके बाद व्हाट आर द थिंग्स दैट यू शुड टेक केयर ऑफ बिफोर लीविंग इंडिया, तो इस चीज़ के बारे में हम बात करेंगे. और ये जो वीडियो है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है. एक पार्ट में मैं कुछ टॉपिक्स कवर करूँगा, फॉर एग्जांपल अकोमोडेशन प्रिपरेशन, फ्लाइट बुकिंग्स, फॉरेन एक्सचेंज. और दूसरे पार्ट में मैं कवर करूँगा थिंग्स लाइक कि व्हाट टू कीप, व्हाट नॉट टू कीप. इसके अलावा वहाँ जाके क्या चीज़ें करनी चाहिए और वहाँ पे जाके किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं सेकेंड वीडियो में कवर करूँगा. दोनों वीडियोज़ आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं, ठीक है. तो लेट अस स्टार्ट. तो सो लेट अस से वंस यू हैव अप्लाइड फॉर MBBS, यू हैव गॉट द वीसा, एप्लीकेशन सब कुछ हो चुकी है, वीसा सब कुछ हो चुका है, एंड नाउ आपके हाथ में वीसा. अब आप क्या करें, कैसे प्रिपेयर करें, कैसे बुकिंग्स करें, कैसे सब कुछ चीज़ें करें. तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा. सबसे पहले कि वहाँ लेट अस से वीसा आपके हाथ में, सबसे पहले आपको अकोमोडेशन की प्रिपरेशन करनी चाहिए कि 5 ईयर्स आप वहाँ कहाँ रुकोगे, उसकी प्रिपरेशन आपको पहले से करनी चाहिए. वहाँ जाके नहीं देखते, पहले से ही देख लेते हैं अगर अवेलेबिलिटी है तो. तो फॉर एग्जांपल जैसे आपका वीसा, सबसे पहले इट्स इन योर हैंड, तो आप अपने जो जिनसे भी आप डील कर रहे हो या जो यूनिवर्सिटी है उसको, उससे आप डील कर रहे हो, तो उनको कॉल करके या फिर उनको ईमेल करके आप अपनी बताइए कि मैं, मेरा वीसा लग चुका है, मैं ये स्टूडेंट हूँ, ये ऑफर लेटर है मेरा, और अब मैं आ रहा हूँ आपके यहाँ, और आई शुड स्टे इन, आई वॉन्ट दिस काइंड ऑफ अकोमोडेशन और दैट काइंड ऑफ अकोमोडेशन. और वो चीज़ आपको यूनिवर्सिटी को पता होना चाहिए, आप कब आ रहे हो और किस तरह की अकोमोडेशन आपको चाहिए. तो अगर उनकी यूनिवर्सिटी अकोमोडेशंस हैं तो आप उनमें रह सकते हो और वो आपको अवेलेबल होंगी तो मिल जाएंगी, और अगर नहीं होंगी तो यू नो दे विल सजेस्ट यू सम प्राइवेट अकोमोडेशंस, जो कि काफ़ी कंट्रीज़ में होती हैं प्राइवेट अकोमोडेशंस. So you have to make sure that आप यूनिवर्सिटी के लोगों से बात कर चुके हैं या जिससे भी आपने एडमिशन कराया है उससे आप बात कर चुके हैं, और आपको पता होना चाहिए कि किस तरह की अकोमोडेशन आप देख रहे हो, सिंगल शेयरिंग देख रहे हो, डबल शेयरिंग देख रहे हो, और वो आपके पास रिटर्न में होना चाहिए कि ये डबल अकोमोडेशन, सिंगल अकोमोडेशन आपकी इस तारीख से अवेलेबल है, कभी भी आप आ सकते हो, ठीक है. सेकेंड की भाई, अगर आपको अकोमोडेशन अभी फाइनल नहीं हुई है तो मेक श्योर दैट यू हैव अ टेम्पररी बुकिंग. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप booking.com पे जाते हैं तो वहाँ के आसपास कुछ बहुत एक्सपेंसिव नहीं, बट एटलीस्ट 1 वीक के लिए आपको कुछ टेम्प्रेरी अकोमोडेशंस देख के रखनी चाहिए अगर आप जा रहे हो तो. सो इमेजिन करिए, अगर आप एक स्टूडेंट हो, आपके साथ इतना सारा सामान है, आप ऑलरेडी इतनी लंबी फ्लाइट लेके आए हो और आपकी अकोमोडेशन भी फाइनल नहीं है, अब वहाँ जाके आप सीधा पहुँच जाते हो, कहते हो मेरे को अकोमोडेशन चाहिए, एंड यू गेट अ रिप्लाई कि यू नो योर अकोमोडेशन इज कल मिलेगी आपको, अभी इज़ नॉट अवेलेबल. तो इट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू एक्चुअली मैनेज इट. तो दैट इज़ वाई इट इज़ अप्रिशिएटेड अगर आप पहले से ही एक टेम्प्रेरी अकोमोडेशन भी बुक करो 3-4 डेज के लिए, 1 वीक के लिए, जैसा भी आपको ज़रूरत लगे, ठीक है. तो सेकेंड थिंग, फ्लाइट बुकिंग. तो फ्लाइट बुकिंग के लिए काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं जो, जिनको पता नहीं होता कैसे फ़्लाइट बुकिंग करनी है, और यू नो कि कौन कौन से पोर्टल्स हैं. तो मैं आपको बता दूं, अगर आप गूगल फ्लाइट्स, बहुत ईजी है, गूगल फ्लाइट्स पे जाएंगे, वहाँ पे डालेंगे कि ये डेट्स हैं फ्रॉम दिल्ली टू लेट अस से डिफरेंट कंट्रीज़, मनीला सिटीज़ हैं, मनीला है, तबलीसी जॉर्जिया है, या फिर आप रशिया अगर जा रहे हैं वहाँ पर कोई, मॉस्को में जा रहे हैं, किसी भी और में जा रहे हैं, या लेट अस से चाइना जा रहे हैं तो क्लोजेस्ट आपका शंघाई पड़ता है या फिर बीजिंग पड़ता है, उसके आसपास कहीं भी जा रहे हैं, तो आप सिर्फ डालिए दिल्ली टू बीजिंग टू शंघाई टू टबलीसी, ठीक है, ये आपको डेट्स बताइए तो आप गूगल आपको बता देगा कि व्हाट इज़ दी फ्लाइट टाइमिंग, व्हाट आर द फ्लाइट टाइमिंग्स, और व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ दैट फ्लाइट दैट यू विल हैव टू टेक. तो वो इजीली अवेलेबल होती हैं, और वहाँ पे एक बार चेक करके अपने, अगर आप कोई एजेंट हैं या अगर आपके कोई कंसल्टेंट हैं उनसे बुक करा सकते हो, या अगर आपके कोई ट्रैवल एजेंट है उनसे भी बुक करा सकते हो आप. यूजुअली ये ऐसे होता है, वो बुक कर देते हैं और देन यू गिव देम चेक और कैश, जैसा भी वो आपसे एक्सपेक्ट करें,
और इट इज़ एडवाइजेबल कि पहले से ही आप फ्लाइट करा बुकिंग करा लो एंड मोमेंट्स पे. बिल्कुल फ्लाइट के टिकट्स महंगी हो जाती हैं बिकॉज बहुत स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे होते हैं. तो जैसे ही आपको वीसा हाथ में आए, आपके पास वीसा है हाथ में, और यू कैन बुक द फ्लाइट. यू कैन सी, लास्ट मिनट वेट मत करिए फ्लाइट का, ठीक है, बुकिंग का. और जैसे ही आप अपनी फ्लाइट करा दें तो वहाँ की जो पिकअप टीम है, जो आपकी यूनिवर्सिटी में पिकअप टीम है, या जो आपके एजेंट्स के पास जो पिकअप टीम है जिन्होंने बोला है कि हम आपको पिकअप वहाँ से कर देंगे, तो उनको अपनी फ़्लाइट टाइमिंग्स भेज दीजिए और अपने अकोमोडेशन का जैसे आप भेज चुके हैं उनको. तो ये दोनों चीज़ें अपनी पहले से ही करके रखिए. उससे क्या होगा कि देर आर नो लास्ट मिनट रशेज और आप स्मूथली अपने यूनिवर्सिटी में स्टार्ट कर सकते हैं पहुंचने के बाद. सो अगेन, यू डोंट वांट कि आप वहाँ पे चले जाएं, फ़्लाइट लें 8-10 घंटे की, उसके बाद इतना सारा सामान लेके, उनको पता नहीं है, मिस कम्युनिकेशन हो गई तो कोई आया नहीं. तो मेक श्योर कि यू हैव द कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ द पिकअप गाई एज वेल, ठीक है. एक चीज़ का बहुत ध्यान रखिए जब भी आप फ्लाइट पिक चूज़ कर रहे हैं कि रीच एट द योर होस्ट कंट्री, मतलब जहाँ भी आप जा रहे हो, टीबीसी जॉर्जिया जा रहे हो या चाइना जा रहे हो, रशिया जा रहे हो, कहीं पे भी, रीच इन द मॉर्निंग. रात की फ़्लाइट लो, मॉर्निंग में पहुँचो 9-10 बजे. जैसे क्या होता है कि अगर लेट से 10 बजे पहुँचते हो मॉर्निंग के, तो सारे अकोमोडेशन ऑफिस भी आपका ओपन होता है, यूनिवर्सिटी भी ओपन होती है, अगर कोई एजेंट का अपना वहाँ पे लोकल ऑफिस है वो भी ओपन होता है, ठीक है ना. तो कोऑर्डिनेट करना ईजी हो जाता है. और कंपेयर टू अगर इफ़ यू यू नो टेक अ लेट नाइट फ्लाइट, जैसे आप 10 o'clock रात के पहुँचे हो, 11 o'clock या 12 o'clock पहुँचे हो, या मिडनाइट के बाद पहुँचे हो, लेट अस से 1-2 बजे पहुँचे हो, तो वहाँ पे पहुँच के कोई ऑफिस ओपन नहीं होता. नोबडी, जैसे हम 1 बजे यहाँ पे कौन काम करता, कोई काम नहीं करता, अनलेस एंड अंटिल बहुत रेयर होता है वो. कोई कोई शॉप्स नहीं खुली होती कि कोई जॉब करने वाला भी 9 to 6 काम करता है. तो उसी तरीके से वहाँ पे भी होता है. तो यू मेक श्योर कि मॉर्निंग में आप पहुँचो, कि इवनिंग्स में आपको या लेट नाइट्स आपको कोई नहीं मिलेगा. और वॉट यू डोंट वॉन्ट इस कि आप वहाँ पे रात को 1 या 2 बजे पहुँच गए, खड़े हुए हो अपना सारा सामान लेके, और कोई आपको पिक करने आया नहीं आया, नहीं आ पाया, तो फिर इशू क्रिएट हो रहा है, या फिर आपको इनकन्वीनियंस हो रही है, आपके अकोमोडेशन तक आप नहीं पहुँच पा रहे हो. तो ये चीज़ अवॉइड करिए और मॉर्निंग की अपनी फ़्लाइट लीजिए. भले आप 5 से 10 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा लीजिए, कोई इशू नहीं है, लेकिन ये इनकन्वीनियंस उससे बच जाती है, ठीक है. तो नेक्स्ट इज़ गेट योर इंटरनेशनल रोमिंग सिम, या फिर ISD अपने फ़ोन में ऑन कराइए, इंटरनेशनल रोमिंग ऑन कराइए. उससे क्या होगा कि अब लेटर से आप वहाँ पे पहुँच गए, और लेटर से आपको पिकअप करने वाला भी वहाँ पे आ गया एयरपोर्ट पे, बट आप रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे उसको, प्रॉपरली मैनेज नहीं है वो चीज़ की, उसके हाथ में आपका टैग नहीं है, टैग यहाँ तो दिखा नहीं है आपको, बहुत चीज़ें होती हैं. तो आप इंटरनेशनल अपना ISD इंटरनेशनल रोमिंग अपना ऑन करके जाइए, और वहाँ जाके आप उनका उनका नंबर जाने से पहले एक बार उनसे बात करिए कि मैं इस दिन आ रहा हूँ, इस दिन मिलूँगा आपको, आप आ पहुँच जाना. और वहाँ पहुँच के भी उनको कॉल कर दीजिए अपने इंटरनेशनल सिम से. उससे क्या होगा कि आप कोऑर्डिनेशन ईजी हो जाएगी. अगेन, 8 to 10 hours फ्लाइट के बाद वॉट यू डोंट वॉन्ट इज एनी काइंड ऑफ मिसकम्युनिकेशन या मिस हैपनिंग, कि आप पहुंच गए हो, कोई नहीं आया. हम लोग देखते आए, ये चीज़ें बहुत कॉमन है, वहाँ पे बच्चे पहुंच जाते हैं और थोड़ी मिसकम्युनिकेशन में ऊपर नीचे हो जाता है, और फिर स्टूडेंट्स को इशू आता है कि हम पहुँचे तो थे, मतलब एक्सपीरियंस ख़राब होता है. दैट इज़ बेसिकली यू वॉन्ट टू अवॉइड. आपका पहला दिन होगा वहाँ पे उस कंट्री में, और अच्छा खराब एक्सपीरियंस ख़राब होगा तो आपको बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा. चलिए नेक्स्ट. तो वाइल बुकिंग फ्लाइट्स आस्क फॉर एक्स्ट्रा बैगेज. तो फॉर एग्जांपल, एवरी इंटरनेशनल फ्लाइट में क्या होता है कि आपको 23 kg या 30 kg का एक बैग, वन बैग मिलता है फॉर चेक इन. चेक इन मीन्स, मैं आपको बाद में समझाऊंगा चेक इन क्या होता है और केबिन बैग क्या होता है, बट एक बैग होता है जो आपने देखा होगा, अगर आपने कभी फ्लाइट ली है या नहीं ली हो, एयरप्लेन में क्या होता है, कुछ कुछ बैग आप अपने साथ ऊपर रख सकते हैं फ्लाइट में, और कुछ बैग आपके जो लगेज स्टोरेज होता है, कंपार्टमेंट होता है प्लेन में, वहाँ पे हो जाता है, वहाँ पे चला जाता है. तो जो लगेज कंपार्टमेंट होता है और ऊपर वाला बैग स्टोरेज, टोटल मिला के आपका कुछ 30 kg बनता है. तो बिकॉज यू आर गोइंग फॉर अ स्टूडेंट, गोइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, और आप नहीं चाहोगे कि वहाँ पे अपना काफ़ी सामान होता है स्टूडेंट जो जा रहा होता है, तो बेसिकली आस्क फॉर एक्स्ट्रा बैगेज. वो 30 की जगह वो आपको 50 एक्स्ट्रा बैगेज, मतलब टू 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 बैगेज मिल जाते हैं आपको. उसमें दो बैगेज में आप अच्छा खासा अपना सारा सामान रख सकते हैं,
ठीक है ना, एंड दैट इज़ वेरी कन्वीनियंट। और थोड़ा सा एक्स्ट्रा जरूर पे करना पड़ेगा, 3 to 4 thousand, लेकिन आप अपना सारा घर का सामान आप पैक कर सकते हैं, ठीक है। तो अगेन आई विल से टू इम्पॉर्टेंट थिंग्स अगेन, कि डोंट बुक योर फ्लाइट बिफोर वीसा, ठीक है। जब वीसा हाथ में आ जाए तभी फ्लाइट्स बुक कराइए। मैंने बहुत देखा है कि पहले फ्लाइट्स बुक हो जाती हैं, उसके बाद वीसा बाद में डीले हो गया, सर ये हो गया वो हो गया, दिस इज, प्लीज़ अवॉइड इट। सेकेंड, बुक डे फ्लाइट्स, डोंट बुक इवनिंग एंड लेट नाइट फ्लाइट्स, आपको बहुत इनकन्वीनियंस हो सकती है, ठीक है। 5-10 हज़ार के चक्कर में बहुत बड़ी इनकन्वीनियंस हो जाती है स्टूडेंट्स को, ठीक है। नेक्स्ट इज़ फॉरेन एक्सचेंज, आप जा रहे हैं दूसरी कंट्री में जा रहे हो, अपने हाथ में कुछ दूसरी करेंसी लेके चलना चाहिए, आप वहाँ जाओगे, आपके पास होना चाहिए कुछ फॉरेन एक्सचेंज, तो कैसे लोगे वो फॉरेन एक्सचेंज? गवर्नमेंट के कुछ एजेंट्स होते हैं जो आपको ब्लैक में भी वाइट में भी फॉरेन एक्सचेंज देते हैं, ठीक है ना। वाइट में प्रेफर्ड होता है बिकॉज आप जो भी जाते हो तो आपको जो भी फॉरेन एक्सचेंज आप लेके जा रहे हो वो कस्टम को दिखाना होता है कि मेरे पास इतना फॉरेन एक्सचेंज है और मैं ऐसे लेके इतना लेके जा रहा हूँ, और ये उसकी रिसीट है, उसको रिसीट भी दिखानी होती है कस्टम वालों को, वरना वो आपका कैश जो फॉरेन एक्सचेंज है वो रोक सकते हैं, ठीक है ना। तो आप इनफ जितना भी आपको ठीक लगे फॉरेन एक्सचेंज आप ले जाना चाहते हो उतना ले जा सकते हो, बट 5,000 USD से ज़्यादा नहीं ले जा सकते, 5,000 USD के इक्विवेलेंट। सो फॉर एग्जाम्पल 5,000 USD इंडियन करेंसी में होता है नियर अबाउट 3 लाख रुपीज़, नियर अबाउट। तो जॉर्जियन करेंसी में कुछ और होता है, फिलीपींस करेंसी में कुछ और हुआ, तो बट इक्विवेलेंट 2,500 USD, सॉरी 5,000 USD करीब आप लेके जा सकते हो इन कैश, ठीक है ना। बाकी नियर अबाउट 10,000 USD आप लेके जा सकते हो इन अदर फॉर्म्स, फॉर एग्जांपल ट्रैवलर चेक होते हैं, फॉरेन एक्सचेंज कार्ड्स होते हैं, जैसे हमारे पास क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड होते हैं ना, वैसे फॉरेन एक्सचेंज कार्ड्स होते हैं, उसमें आप अपना डॉलर्स डलवा लीजिए या फॉरेन करेंसी डलवा लीजिए, और वो आप स्वाइप कर सकते हैं, ATM से भी निकाल सकते हैं बाहर पे, और बाहर किसी भी शॉप पे स्वाइप कर सकते हैं। ट्रैवलर्स चेक होते हैं कि इट्स जस्ट लाइक अ चेक बुक, बट वो ट्रैवलर्स के लिए होती है, वो बस आप चेक काटिए, अपने सिग्नेचर कीजिए, उनको दे दीजिए, और वो जो है वो इन कैश करा सकते हैं। तो अपनी यूनिवर्सिटी की जो फीस होती है वो भी आप थ्रू ट्रैवलर चेक दे सकते हैं, राइट। तो दैट्स इनफ फॉर दिस वीडियो, आई विल कंटिन्यू द नेक्स्ट कंटेंट फॉर द फर्दर कंटेंट फॉर द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। तो स्टे पोस्टेड, थैंक यू।